हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल STADR95 पर। तो दोस्तों, अब तक हम पढ़ रहे थे गांधी युग, और गांधी युग में हम लोग पढ़ चुके हैं रॉलेक एक्ट। ठीक है, तो रॉलेक एक्ट पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है जलियांवाला हत्याकांड, जो कि गांधी युग का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भी है। और इस घटना के बाद, इतनी बड़ी घटना तो नहीं हुई फिलहाल, लेकिन गांधी युग का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको हमें पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम बहुत ही बेसिक तरीके से आपको इसे पढ़ाएंगे, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा गांधी युग पढ़ करके। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अब तक गांधी युग का पीछे कोई पार्ट नहीं देखा तो वो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लें, और प्लेलिस्ट में गांधी युग में आपके अब तक के 6 पार्ट पढ़ चुके हैं और वहां जाकर के आप अच्छी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए गांधी युग पढ़ते हैं। गांधी युग में आज जलियांवाला हत्याकांड। तो ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड के पहले हमने बता दिया था कि जब रॉलेक एक्ट हुआ था, तो रॉलेक एक्ट में जब डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुलद्दीन किचलू, जो कि पंजाब थे, इन्हें जब बंद कर दिया गया था जेल में, तब सब लोग बहुत बहुत ज्यादा नाराज थे। और एक समूह में सब लोगों ने एक नारा दिया था, हमारे नेता को छोड़ दो, हमारे नेता को छोड़ दो। और वहां जाकर के उन्होंने एक दंपति को कुचल कर आगे बढ़ गए थे, जिससे जनरल डायर और एमओ डायर, ये बहुत आरएएस डायर और एमओ डायर बहुत नाराज हुए थे, लेकिन वहां वो घूट पीकर चुप हो गए थे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि जब रॉलेक एक्ट हुआ था, सबको पता है कि रॉलेक एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 18 मार्च 1919 को हुआ था। और रॉलेक एक्ट के समय स्वर्ण मंदिर की चाबी किसके पास थी, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है और ये डीप क्वेश्चन है। और आप लोग को आई होप कि जिन्होंने अच्छे स्टडी करी है गांधी युग के बारे में, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आप इसे आई होप बता भी पाओगे बहुत अच्छे से। तो ठीक है, आइए मैं बता देता हूँ फिलहाल उस समय चाबी किसके पास थी। तो उस समय रॉलेक एक्ट जब फैला था, तो हिंदू और मुस्लिम का भी बहुत बड़ा प्रचलन था उस समय। और हिंदू मुस्लिम का जो नारा लगा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो इसी समय लगा था। तो उस समय क्या हुआ था, मुस्लिम लोग जो थे वो हिंदू के मंदिरों में जा करके क्या करते थे, वहाँ जा करके पूजा करते थे, आरती करते थे और सब कुछ करते थे, ये प्रदर्शित करने के लिए कि हम लोग एक हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लोग जाते थे हिंदू मंदिर जाते थे, और हिंदू लोग जाते थे मुस्लिम मस्जिद में, ये लोग जाते थे मंदिरों में और ये लोग जाते थे मस्जिदों में। ठीक है, तो जब उसी समय हिंदू लोग जबकि मस्जिद जा रहे थे और मुस्लिम लोग जबकि मंदिर जा रहे थे, तो मुस्लिम लोग जब मंदिर गए, पंजाब में एक है जामा मस्जिद और एक है स्वर्ण मंदिर। तो जब वहां के लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे थे, तो जाकर के अलग अलग जगहों पर पूजा करते थे और ये जताने की कोशिश करते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस समय फिर हिंदू की तरफ से डॉक्टर सत्यपाल जी गए थे जामा मस्जिद गए थे, और मुस्लिम की तरफ से सैफुलद्दीन किचलू साहब गए थे स्वर्ण मंदिर। तो जब ये दो, इन दोनों को अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार किया गया, तो स्वर्ण मंदिर में जब किचलू जी भाषण दे रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों को एकाग्र कर रहे थे, उसी समय स्वर्ण मंदिर में ये थे, और वहीं पर अंग्रेज के अधिकारियों ने हमला बोलकर इन्हें क्या कर लिया, कैद कर लिया, और इन्होंने मंदिर को लॉक कर दिया। तो चाबी किसके पास थी,
तो स्वर्ण मंदिर की चाबी किसके पास थी? तो सैफुद्दीन किचलू के पास थी। ठीक, तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए चलते हैं जलियाबाग हत्याकांड की तरफ, जलियाबाग हत्याकांड की तरफ। तो जलियाबाग वाला हत्याकांड कैसे हुआ? जब रॉलेट एक्ट हो रहा था और किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो लोगों ने नाराएं दी, धारा बैठकर सभाएं की कि हमारे नेता को छोड़ दो, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। फिर क्या हुआ? जब इन लोगों ने नहीं माना तो सभी लोगों ने एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी में सब लोगों ने आपस में एक प्लान बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, 20,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे। कितने लोगों को? 20,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे और 13 अप्रैल 1919 को जलियाबाग जो कि कहाँ है, अमृतसर के बाग में इकट्ठा होंगे, और हम लोग वहाँ शाम चार बजे इकट्ठा होंगे और उसके बाद इकट्ठा होने के बाद चौकी पर धावा बोल देंगे। वहाँ की चौकी पर धावा बोल के हम हमारे नेताओं को छुड़ा लेंगे। ऐसा कुछ प्लान चल रहा था, और उसी प्लान के बीच में क्या हुआ, प्लान में ये था कि चिट्ठियाँ बनाई गई, 4 बजे जलियाबाग 13 अप्रैल और चिट्ठियां एक दूसरे को पास आउट करते गए। अच्छा, तो यही एक चिट्ठी एक भारतीय के हाथ लगी जिसका नाम था डॉक्टर हंसराज। क्या नाम था? डॉक्टर हंसराज। अब डॉक्टर साहब को लगा कि ये तो मोटी रकम की चिट्ठी है, इससे तो पैसा कमाया जा सकता है। डॉक्टर हंसराज के हाथ लगती है और हंसराज जी उस चिट्ठी को लेकर के किसके पास जाते हैं? R.E.H. डायर। ठीक है, तो डायर ब्रदर्स के पास वो जाते हैं और कहते हैं कि आप अगर हमें कुछ मोटी रकम दे तो आपको हम बहुत बड़े षड्यंत्र की बात बताएं। तो डायर ब्रदर्स कहती है कि बिल्कुल आप बताइए, और वो एक अच्छी रकम देती है और वो क्या चिट्ठी देकर चले आते हैं और चिट्ठी को पढ़ते हैं। तो चिट्ठी को पढ़ते ही आर.एस. डायर का फैसला आता है कि आर ब्रदर्स कहते हैं कि ये तो हमारा काम बन गया। उसी बीच इनके भैया कहते हैं यमो डायर जी कहते हैं कि सबसे पहले पता कर लो कि वो कहाँ हैं। कौन? गांधी जी। तो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि गांधी जी कहाँ हैं। गांधी जी के बारे में ये परेशान, क्योंकि गांधी जी अगर होंगे तो ये सब हो नहीं पाएगा। ठीक है, गांधी जी का पता लगाते हैं, तो गांधी जी को भी इस बात की भनक लग जाती है कि वहाँ पर लोग सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को छुड़ाने के लिए चौकी को फूंकने वाले हैं और जलियाबाग में इकट्ठा होने वाले हैं सभा करने के लिए। अब उस समय गांधी जी रहते हैं कहाँ? महाराष्ट्र रहते हैं और पैदल चलते समय पहुंचते हैं गुजरात पहुंचते हैं और गुजरात पहुंचने के बाद फिर पैदल चलते हैं और पहुंच जाते हैं राजस्थान, और राजस्थान से भी चल देते हैं और पहुंचते हैं कहां पर? हरियाणा। कहां पहुंचते हैं? हरियाणा। और उसी समय हरियाणा में एक स्टेशन है जिसका नाम है पलवल। पलवल स्टेशन पर गांधी जी को कुछ अधिकारियों के साथ अपने जाते हैं एमओ डायर जी, और वहां इनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद इनको पुनः छोड़ देते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं, फिर चल देते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ क्या होता है? जलियाबाग वाला हत्याकांड। ठीक है, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 4 बजे की बात रहती है, लगभग 20,000 लोग कहते हैं कि इकट्ठा हो जाते हैं, और वहाँ पर क्या करने के लिए, जैसे ही इकट्ठा होते हैं, अच्छा आर.एस. डायर इधर अच्छे प्लान में था,
आरएच डायर जो है वो बहुत अच्छे प्लान में था, या आज क्या करना है, तो आरएच कहता है, आरईएच डायर कहता है, आरईएच डायर कहता है कि तीन चार बजे ये लोग पहुंचेंगे, चार बजे इकट्ठा होंगे, साढ़े चार बजे सम्मेलन होगा, साढ़े चार बजे ये लोग कुछ करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद 4:45 पर हम लोग हमला बोल देंगे। ये लोग कहते हैं हमला बोल देंगे, और उसी समय जब वहां लोग पहुंचते हैं, ठीक 4 बजे पहुंच जाते हैं 20,000 लोग तक, 4:30 बजे शुरू होने वाला होता है कि इधर 4:45 पर अपने कम से कम 10 पुलिस कर्मियों के साथ और आरएच डायर और यमो डायर पहुंच जाते हैं। आरएच डायर और यमो डायर को देखकर भारतीयों की हवा खिसक जाती है, और हवा खिसक जाने के बाद बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। सब लोग हाथ जोड़ते हैं कि हम लोग, अच्छा एक नियम भी वहाँ पास हुआ था खेड़ा आंदोलन में, सबको पता है कि उसमें एक अगर तीन लोग जैसे बिना दलील बिना वकील के एक ये कानून जब पास हुआ था रॉयल एक्ट, तो वही हुआ था कि वहाँ तीन लोगों का समूह इकट्ठा होगा तो गोली मार देंगे। यहाँ तो बहुत सारा समूह है, ये देख कर भारतीय समझ जाते हैं कि ये तो फायरिंग हो सकती है यहाँ, इसलिए क्या करते हैं, तुरंत हाथ जोड़ते हैं कि हम लोग यहाँ बैसाखी का त्यौहार मनाने आए हैं। किसका त्यौहार? बैसाखी का त्यौहार। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि भारत के लोग जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में इकट्ठा हुए थे तो उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा तिथि थी, तो वो बैसाखी तिथि थी, ठीक है। कितने लोग थे? तो 20,000 लोग थे। गोली चलाने की का आदेश किसने दिया था? आरएच डायर ने दिया था। गोली किसने चलवाई थी? एमओ डायर ने चलवाई थी, ठीक है। तो ये सब अच्छा, तो आरएच डायर कहता है एमओ डायर को कि छोटे स्टार्ट। तो इतना कह करके जनरल डायर आरएच डायर चला जाता है, और एमओ डायर कहते हैं, कुछ लोगों कहते हैं और कुछ किताबों में कहा जाता है कि 3 मिनट का भागने का समय दिया जाता है, लेकिन आप बताओ मित्रों, अगर 3 मिनट का समय मिलता तो लोग भाग नहीं जाते? सब लोग तो नहीं मारे जाते ना, सब लोग कहाँ मारे जाते, ठीक है, तो भाग जाते। लेकिन 3 सेकंड ऐसा नहीं है, 3 सेकंड का समय दिया था एमओ डायर ने, 3 सेकंड का समय दिया था, और 3 सेकंड में तो जिसको भैया गठिया की बीमारी होगी वो तो उठ नहीं पाएगा, तो जब वो उठ नहीं पाएगा तो भागेगा कहाँ? इसीलिए वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट की जाती है, और लोग वहाँ मजाक करते हैं, अंग्रेज कमिश्नरी वहाँ मजाक करती है, पुलिसकर्मी आँखों में पट्टी बांध के गोली मारते हैं, ढिचुक 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 ढिचुक, और लोग मर जाते हैं। वहीं एक कुआं रहता है, एक कुआं रहता है, और कुछ लोग उस कुएं में कूद जाते हैं। अच्छा, जब कुएं में कूद गए हैं तो निकलना भी है, निकले तो कैसे निकले? तो जब तक ये निकलने कोशिश करते सबके बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन इनके पास इतना समय होता है कि और बंदूक मंगा लेते हैं, और बंदूक मंगा लेते हैं, और धड़ाम धड़ाम करके सबको उड़ा देते हैं। तो इस घटना के बाद सब लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और इस घटना का दोषी सब लोग गांधी जी को ठहरा, इस घटना को सब लोग गांधी जी को ठहरा देते हैं। और एक बहुत ही जानने वाली नेता रहती हैं, श्रीमती एनी बेसेंट जी रहती हैं। वो क्या कहती हैं? एनी बेसेंट जी रहती हैं, वो गांधी जी को क्या कहती हैं? गांधी जी को कहती हैं राजनीतिक बच्चा। तो गांधी जी को राजनीति का बच्चा किसने कहा था? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी ने कहा था। कब कहा था? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में कहा था, ठीक है। तो अभी आई होप कि आप लोग को यहां तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ, कब तक कितना क्या किया गया, और किसको किसने क्या कहा। तो यहां तक तो हो गया, और बच्चा कह दिया। लेकिन जब गांधी जी आए और उन्होंने आवाज उठाया
तो भैया क्या होता है कि अंग्रेज लोग कहते हैं कि हमने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई थी, वहाँ 20,000 लोग इकट्ठा थे, हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और हमने आत्मरक्षा की के लिए गोली चलाई थी। गांधी जी इस बात से इनकार करते हैं और आर एच डायर पर मुकदमा दायर कर देते हैं और फांसी की मांग करते हैं। ठीक है, तो आर एच डायर पर मुकदमा हो जाता है। अच्छा, मुकदमा जब आर एच डायर पे हो जाता है तो गांधी जी को दिखाया जाता है कि आज के तीन दिन पहले लंदन के हाउस ऑफ काउंसिल में एक बिल पास हुआ है। ठीक है, एक बिल पास होता है जिसका नाम रहता है इंटीमिटी बिल। क्या नाम रहता है? इंटीमिटी बिल। और इस इंटीमिटी बिल का मतलब होता है कि कहीं भी किसी देश में अगर अंग्रेजों का शासन है और अंग्रेज के अधिकारी किसी को भी गोली मार देते हैं या हत्या कर देते हैं तो उनको फांसी की सजा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फांसी नहीं होगी, सिर्फ नौकरी से निकाला जाएगा। ठीक है, तो वही दिखा देते हैं, सिर्फ नौकरी से निकाला जाएगा। वही गांधी जी को बिल दिखा देते हैं और गांधी जी मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। लेकिन ये जांच होती है कि आखिर वहां हुआ क्या था, कितने लोग मारे गए थे और कितने लोग घायल हुए थे। इसीलिए वहां पर दो कमेटियों की जांच बैठाई जाती है। एक कमेटी का नाम है तहकीकात कमेटी और एक का नाम है हंटर कमेटी। ठीक है, एक का नाम है हंटर कमेटी। जांच बैठाई जाती है और उस जांच का नाम है तहकीकात कमेटी और अगली रहती है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी, अच्छा, तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष रहते हैं मदन मोहन मालवीय जी। और वहां की कमेटी कहती है कि इसमें 1,000 लोग मरे हैं और 3,000 लोग घायल हुए हैं। मारे गए 1,000 लोग। ठीक है, 1,000 लोग, जबकि घायल हैं 3,000 लोग। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हंटर कमेटी क्या कहती है। तो हंटर कमेटी में 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय, 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज प्लस 3 भारतीय। ठीक है, टोटल कितने थे? 8 लोग थे। अब हंटर कमेटी कहती कि नहीं, 379 लोग मरे हैं, 379 लोग मरे हैं और 200 लोग घायल हैं। कहती हैं 379 लोग मरे हैं और 200 लोग घायल हैं, तो संतुष्टिकरण नहीं हो पाता है। और उसी वक्त अंग्रेज सरकार क्या कहती है, अपना दिखा देती है, कौन से बिल? इंटरनिटी बिल दिखा देती है और गांधी जी चुप होकर के चले आते हैं। और उसी समय भारत में आते हैं तो एक होता है जिसका नाम है ग्रास पार्टी होती है, ग्रास
पार्टी, एक ग्रास पार्टी रखी जाती है, और ग्रास पार्टी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आर एच डायर इंग्लैंड से भारत आते हैं फिर, और क्या करते हैं उसमें? गेस्ट होते हैं, अच्छा गेस्ट रहते हैं, और वो अंग्रेज लोग उनको क्या देते हैं? तलवार देते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज लोग उनको क्या देते हैं? एक तलवार देते हैं, और उस तलवार को लेकर के वो जब भाषण मंच में पहुंचता है और तलवार को लहराते हुए कहता है कि ये तलवार चाहे दाएं चले चाहे बाएं चले, ये तलवार चाहे दाएं चले, आर एच डायर कहता है यह तलवार चाहे दाएं चले चाहे बाएं चले, चले तो भारतीयों के सर पे चले और भारतीयों के सर के टुकड़ों को काटकर जमीन पर गिरा दे, ठीक है, काटकर जमीन पर गिरा दे। और उसके बाद इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अंग्रेज के लोग बहुत खुश होते हैं, और अंग्रेज के जितने भी कमिश्नर लोग रहते हैं अपनी सैलरी का महीने का आधा वेतन उसे गिफ्ट कर देते हैं, और उसे कुछ नाम से पुकारने लगते हैं। कौन कौन से नाम से? तो अंग्रेज ब्रिटिश का रक्षक, पहला नाम है इसका अंग्रेज ब्रिटिश का रक्षक, पहला नाम होता है इसका अंग्रेज ब्रिटिश का रक्षक, ठीक है। फिर ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, और एक नाम दिया जाता है उसको, वो क्या है? सम्मान की तलवार, जो अंग्रेज लोग उनको तलवार देते हैं उसे कहते हैं सम्मान की तलवार, ठीक है। तो इन तीन नामों से उसको पुकारा जाता है, और वह तीन नामों से पुकारा जाने लगता है, ठीक है। तो इस हत्याकांड के बाद कुछ लोग बहुत नाराज हुए और क्या किया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर बहुत नाराज होते हैं और क्या करते हैं? अपनी सर की उपाधि लौटा देते हैं, सर की उपाधि लौटा देते हैं, ठीक है। एक लोग और बहुत नाराज होते हैं, वो भी अपनी उपाधि लौटा देते हैं, जमुनालाल बजाज जी अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाते हैं, जमुनालाल बजाज कौन सी उपाधि लौटाते हैं? राय बहादुर की उपाधि लौटा देते हैं, ठीक है। तो इस घटना के बाद सबको बहुत सदमा पहुंचा, बहुत सब लोग परेशान हुए, और सबके सब जब परेशान हुए तो क्या किया, अपनी अपनी उपाधियों को सबने लौटा दिया, और उस समय बहुत परेशान होकर सबने एक फिर से क्या किया, एक गठन किया, और फिर लंदन के ही कैप्टन हॉल में जो लंदन था उस समय, लंदन का एक होता है कैम्पटन हॉल, वहां जाकर के भारत के ऊधम सिंह क्या करते हैं? गोली मार देते हैं। किसको मारते हैं गोली? तो एमओ डायर को गोली मार देते हैं, और उसके बाद फिर ऊधम सिंह को पकड़ के फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड बहुत अच्छे समझे होंगे, और वहां भी उस समय अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अंग्रेज वायसराय कौन था, तो उस समय जो अंग्रेज का वायसराय था वो कौन था, तो अभी आप लोगों ने देखा था कि गांधी जी को जो आश्वासन दिया था कि हम आपको आजादी दे देंगे अगर आप 20,000 सैनिक हमको 20 लाख सैनिक दे देते हैं, वो वही बंदा है, कोई और नहीं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो वायसराय, उस समय का वायसराय,
लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, फिर क्या होता है कि सब लोग लौट के आते हैं और एक युवा रहता है जिसका नाम रहता है चमनदीप, उसका नाम रहता है चमनदीप, और चमनदीप नाम का वह व्यक्ति एक गठन कमेटी बैठाता है जिसका नाम है डंडा फौज। डंडा फौज, डंडा फौज, और उस डंडा फौज में इसलिए बैठाता है कि हम लोग अभी लड़ाई में हैं, और डंडा फौज का मतलब होता है रात को 20-20 लोगों का भारतीय समूह निकलता है और डंडा लेकर जाता है, और जो भी अंग्रेज मिलता है सब अंग्रेज को एक तरफ से मारते हुए जाते हैं, इसलिए और नारा देते हैं कि जो भी हमारे शहीद हुए थे जलियाबाग में उनकी संतावना के लिए नारा देते हैं जय हिंद जय भारत। तो डंडा फौज में क्या होता है कि सब लोग डंडे से अंग्रेजों को मारते हैं। ठीक है, और फिर कुछ समय बाद इनको पकड़ लिया जाता है और इसके बाद इनको भी फांसी दे दी जाती है, चमनदीप जी को फांसी दे दी जाती है। तो डंडा फौज के संस्थापक कौन थे? चमनदीप जी थे। ठीक, इनको भी फांसी दे दी जाती है और जलियाबाग वाला हत्याकांड यहीं समाप्त हो जाता है। तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और जो भी जिसको भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन क्वेरी है किसी के मन में, तो वो कमेंट बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आ करके हमें ज़रूर बताएं। और आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया समझ में भी आया होगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ या एक नंबर या दो नंबर आसानी के साथ उन्हें भी गेन हो पाए। थैंक यू सो मच।